नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। राज्य में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत जागरूकता वाहन को जिलाधिकारी शंभू कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि इसको लेकर आशा बहुआ आंगनबाड़ी गांव-गांव घर-घर जाकर दस्तक अभियान चलाएंगे। ये अभियान 1 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा। हमारी ताकत का संचारी रोग को नियंत्रण करना है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी शंभू कुमार ने बताया कि विशेष संचारी नियंत्रण अभियान जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाई गई है। उन्होंने बताया कि अभियान 1 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि जितने भी प्रकार के संचारी रोग हैं, विशेषकर इंसेफ्लाइटिस, इस पर पूरी तरह से नियंत्रण हो सके। उन्होंने बताया कि इसमें आशा बहु आंगनबाड़ी की महिलाएं हर गाँव हर घर तक पहुँचेंगी। वहाँ पहुँच कर संचारी रोग को लेकर उन्हें जागरूक करेंगी और ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगी जो इसमें ग्रसित हो, उनको हॉस्पिटल रिफर करेंगे। उन्होंने बताया कि इनमें पंचायती राज विभाग में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। मच्छरों को दूर करने के लिए फॉगिंग और नालियों की साफ सफाई करेगा। उन्होंने बताया कि पशुपालन विभाग सुअरों पर नियंत्रण करेगा। इस तरह से 11 विभाग को ऑर्डिनेशन से काम करेंगे। वह उन्होंने बताया कि पूरे माह में जो भी संचारी रोग के नियंत्रण के लिए कदम उठाए जाएंगे, उन्होंने बताया कि बुरी तरह से संचारी रोग पर रोक लगाई जाएगी। अनस तारिक की रिपोर्ट। साहब, अभी आपने कुछ वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, ये कैसे वाहन हो, क्या ये जागरूक करेंगे लोगों को? आज से जनपद बहराइच में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत हुई है और ये 1 मार्च से 31 मार्च तक चलता रहेगा। और इसमें उद्देश्य है कि जितने भी प्रकार के संचारी रोग हैं, विशेषकर इंसेफ्लाइटिस, इस पर पूरी तरीके से नियंत्रण हो सके। इसमें आशा आंगनवाड़ी केंद्र की महिलाएं, ये सभी लोग हर गांव में हर घर तक पहुंचेंगी, इसके संबंध में जागरूकता करेंगी, दस्तक अभियान चलाएंगी और किसी तरह की कोई बीमारी है तो ऐसे लोगों को हॉस्पिटल रेफर करेंगी, आवश्यक सलाह देंगी। और अन्य विभाग जो हैं, जैसे पंचायती राज विभाग विशेष सफाई अभियान चलाएगा, मच्छरों को दूर करने के लिए फॉगिंग, नालियों की साफ सफाई, पशुपालन विभाग सुअरों पे नियंत्रण, इस तरह के हर विभागों के कोऑर्डिनेशन से 11 विभाग कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे और पूरे माह संचारी रोग के नियंत्रण के लिए जो भी आवश्यक कदम है वो उठाए जाएंगे। और कोशिश ये है कि जनपद में किसी तरह की कोई संचारी रोग का कोई प्रतिकूल स्थिति ना उत्पन्न हो और इंसेफ्लाइटिस पूरी तरीके से जनपद बहराइच में समाप्त हो जाए।